इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ओलिवर, यस, तुम्हारा जिद करने पर हम एलन को लेकर इंडिया तो आ गया, बट यू नो अगर कुंटी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नथिंग टू वरी। यू डोंट नो ओलिवर, कुंटी को लेकर मुझे बहुत डर है। और वैसे भी इफ यू रिमेम्बर, सरला जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि कुंटी खरन को वापस चाहती है। इसके लिए वो गवर्नर के पास भी गई थी। एक्चुअली कुंटी खरन को बुला नहीं पाई है। ऐसे में अगर वो हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेगा? हम उसके डर से इंडिया आना छोड़ देगा क्या? अगर तुम्हारा काम नहीं होता ना, हम कभी भी नहीं आता तुम्हारे साथ। और वैसे भी हमें हमेशा यही महसूस होता है कि कुंती हमारे एलन को हमसे छीन लेगी। Don't be foolish. ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर एंड मिसेस ओलिवर है, स्वीडन से आए हैं। Why is she so serious? What's wrong with her? क्या मैं तुम्हारा बच्चा देख सकती है? मैंने कहा क्या हम तुम्हारा बच्चा देख सकते हैं? कुंती दिखाओ। चेहरे पर क्या कर दिया? ये ऐसे ही काला कलूटा है, आप लोगों के लायक नहीं है। रात में बहुत परेशान करता है, बहुत बीमार भी रहता है ये। आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। ओके ओके। सरला जी, क्या हम कोई दूसरा बच्चा देख सकता है? जी हाँ, व्हाई नॉट।
ओलिवर, जल्दी से टैक्सी का ग्लास बंद करो। क्यों, क्या हुआ? एलन्स रियल मदर कुंटी, शी इज देयर। ओलिवर जल्दी शीशा चढ़ाओ, प्लीज डू इट फास्ट, डू इट फास्ट ओलिवर, कम ऑन। दीदी, अरे कुंती, तुम आ गई? हो गया सारा काम? हाँ दीदी, वो मैंने सामान वाले को चेक दे दिया है और उसने मुझे ये बिल्स दिए। इसकी पेमेंट तो अगले महीने ही होगी। हाँ, वो मैंने उसे बोल दिया है, वो शायद आपसे फोन पे भी बात करेगा। ठीक है, वो जो बर्तन वगैरह खरीदने थे, कटोरिया वगैरह, वो सब मैंने खरीद लिए। ठीक है, उसकी गिनती करना और रजिस्टर में चढ़ा देना। जी कुंती। जी, तुम इतनी लेट क्यों आ गई? कहीं और चली गई थी क्या? सरला दीदी, कहीं और जाने के लिए अब मेरे पास कोई जगह बाकी बची है क्या? वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और मार्केट में बहुत भीड़ थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम्हारे बाबूजी से मिलने न गई। दीदी, अगर मुझे बाबूजी से मिलने जाना होता तो मैं आपको बता कर जाती। और वैसे भी बाबूजी से मिलने का मतलब है उनके साथ साथ खुद को भी तकलीफ देना। ठीक है, मैंने यू ही पूछ लिया। सरला दीदी, आपका ये सवाल ये साबित करता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा ना होता तो आश्रम के सारे कामकाज की जिम्मेदारी तुम पर सौंपती। तुम आज के सारे खर्चे का हिसाब रजिस्टर में लिख दो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जी, मैं रसोई घर में ये सामान रख के आती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा थक गई हूं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बेटा कहीं 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 आसपास है। ये सिर्फ तेरा एहसास है जो पूरी जिंदगी तेरे साथ रहेगा। नहीं प्रभा, मैंने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। आज जब मैं आश्रम का सामान खरीदने बाजार गई थी तो लौटते वक्त सड़क पर मैंने ये महसूस किया कि कर्ण यहीं इसी शहर में है और मेरे आसपास है और वो मुझे आवाज दे रहा हूँ, मुझे बुला रहा और कह रहा हूँ, माँ मैं तेरे पास हूँ, तेरे करीब हूँ, आकर मुझे गोद में उठा लो। कुंती, ये सिर्फ तेरा भ्रम है, तेरी छोटी सोच है। वो यहाँ से मीलों दूर जा चुका है, वो यहाँ कैसे आएगा? प्रभा, फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? तू हर वक्त कर्ण के बारे में सोचती रहती है ना, इसीलिए। लेकिन तेरी ये सोच कभी सच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या वो यहाँ नहीं आ सकता है? कुंती, कैसी बातें करती है तू? कैसे आएगा वो और कोई उसे लेकर यहाँ आएगा क्यों? और साल भर में कर्ण इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि वो भागता अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ आ जाएगा। प्रभा, प्रभा, ये एक माँ की सच्ची भावना है और अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो ये बेवजह नहीं हो सकता है। ये सिर्फ तेरा सपना है, हकीकत नहीं।
तो दिन के उजाले में भी सपना देख रही है। कुंती तो इस बात को क्यों नहीं मानती कि कर्ण अब कभी वापस नहीं आएगा? क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा? प्रभा वो आया है मीलों दूर से चलकर, हवाई जहाज में बैठकर आया है, तो जाओ जाकर मिलती क्यों नहीं तू उससे? आखिर तू सपना देखना कब छोड़ेगी कुंती? प्रभा अगर मैं ये सपना देख रही हूँ तो क्या क्या किसी का सपना सच नहीं हो सकता? और वैसे भी ये सपना मैंने सुबह के वक्त देखा है, और मैंने सुना है लोग कहते हैं कि सुबह के वक्त देखे हुए सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं। अगर तेरा ये सपना सच है तो कर्ण तेरे सामने आता क्यों नहीं? इसलिए नहीं आता क्योंकि उन लोगों ने उसे पकड़ के रखा है, वो लोग उसे मेरे सामने लाना ही नहीं चाहते। तू कर्ण के बारे में सोचते हुए कहीं पागल ना हो जाए। मेरी बेटी यहाँ, मैं ऐसा मान लूं तो क्या वो यहाँ आ जाएगी? कुंती ये सिर्फ तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। तू माने या ना माने प्रभा, लेकिन अपने बच्चे के लिए तड़पती हुई माँ का ये एहसास अगर झूठा है भी, तो भी मैं इस झूठे एहसास के साथ थोड़ी देर के लिए जी लेना चाहती हूँ। प्रभा वो है यहीं कहीं मुझसे छुपा हुआ, फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आ गया है? क्यों लगता है? क्यों क्यों प्रभा? इंतजार कर रही थी। तुम बाहर से हमारा सामान ले आओ। जी आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। वाओ कितना अच्छा घर है। विल जस्ट होल्ड हिम। देखा ओलिवर कितना बड़ा घर है। आई वाज टेलिंग यू ना कि हम जब भी इंडिया जाएगा नताशा के घर स्टे करेगा, विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। कितना बड़ा घर है। हाउ नाइस। नताशा कहाँ है? मैडम तो सिंगापुर गई हुई है। बट शी वॉज टेलिंग मी हमारे आने से पहले वो आ जाएगी। जी हाँ, मगर कल रात उनका फोन आया था कि किसी काम की वजह से वो वापस नहीं आ पाएंगी। okay. उन्होंने ही बताया कि आप लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ आराम से रहेगा। विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, आप मैडम की दोस्त है, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। सुनिए, हमारा कोई मूड नहीं है कॉफी का। एंड ओलिवर व्हाट अबाउट यू? नो नथिंग। आपका नाम क्या है? जी मेरा लक्ष्मी। मैं बचपन से मैडम के यहाँ काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। ये फोटोग्राफ यहाँ के गवर्नर का है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये गवर्नर साहब है। और उनके बगल में जो है वो नताशा मैडम के ससुर हैं। यू मीन टू से फादर इन लॉ? जी हाँ, गवर्नर साहब और पापा जी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है।